गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू ऑल टू योर ओन चैनल प्रस्थी द रे ऑफ लाइट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू काइंड ऑफ एनर्जी दैट इज़ विंड एनर्जी। और उसके अंदर जो पहली क्लास है हमारी, उसके अंदर हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन, देन बेसिक प्रिंसिपल, देन पावर अवेलेबल इन द विंड। कितनी पावर विंड के अंदर अवेलेबल है और कितनी हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, उसको लेकर के कई बारी न्यूमेरिकल एग्जांपल भी पूछते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आफ्टर हैविंग द फॉर्मूला विल डिस्कस व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द पावर अवेलेबल इन द विंड, राइट। आइए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। ये टॉपिक मैंने आपको बताई दिए, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बेसिक प्रिंसिपल, पावर अवेलेबल इन द विंड, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, और फिर लास्ट में एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी मैं आपको कराऊंगा, राइट। इफ यू टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, देन फर्स्ट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन टू फ्लो द विंड। हवा क्यों बहती है, उसका क्या कारण है? तो कई बार ऐसा लिखा हुआ भी है अच्छी किताब में, और मैं भी कहता हूँ विंड एनर्जी इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी। कैसे, उसको समझिए। देखिए, जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो सरफेस है, वहाँ पर अलग अलग रेडिएशन गिरते हैं, अलग अलग अमाउंट में सोलर रेडिएशन आते हैं, तो कहीं पर गर्मी ज़्यादा रहती है, कहीं पर गर्मी कम रहती है ना। तो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस रहता है, मतलब कुल मिला के एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है ना। एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, और आप जानते हैं कि प्रेशर डिफरेंस होगा तभी हवा बहेगी, हवा चलेगी, राइट। सो योर विंड एनर्जी इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी, राइट। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ये मैंने एक इमेज दिखाई है, आप लोगों ने देखी होगी, ये ट्यूबुलर विंड टर्बाइंस हैं, ताकि आपको एक फील आ जाए कि हम विंड एनर्जी पढ़ रहे हैं, राइट। नाउ कम टू द बेसिक प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि व्हेन विंड फ्लोस ओवर द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन, एक टर्बाइन होगा उसमें ब्लेड्स होंगी, जब विंड उसके ऊपर फ्लो होगी तो उससे क्या होगा, वो टर्बाइन ब्लेड्स घूमेंगी। घूमने का मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। एंड वेन एवर वी आर हैविंग द मैकेनिकल एनर्जी, इफ यू कनेक्ट दिस टर्बाइन विद द अल्टरनेटर, और यू कैन से सिंक्रोनस जनरेटर, और यू कैन से इंडक्शन जनरेटर, तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आता है। दीज ब्लेड्स और रोटर आर कनेक्टेड टू द ड्राइवर शाफ्ट दैट टर्न्स एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये एक डायग्राम के फॉर्म में देख सकते हैं। हाउ डज अ विंड टर्बाइन वर्क्स, ये विंड फ्लो हुई नंबर वन पे, फिर आपके ये ए और बी का मतलब है ब्लेड्स हैं, ए है आपका हब, इसको हब बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा। जैसे ये विंड इसके ऊपर फ्लो होगी ब्लेड्स के ऊपर, तो ये रोटेशन शुरू हो जाएगा, राइट। ये पीछे का जो पूरा पोर्शन है जिसके अंदर सी डी और जी लिखा है, तीसरा पोर्शन है, इसको हम कहते हैं नेसल। नेसल के अंदर आपका रोटर ब्लेड्स इसके ऊपर माउंट रहती हैं, ये पर शाफ्ट है, गियर बॉक्स है ना, जनरेटर है, सारी असेंबली इसके अंदर रहती है ना। तो उसके बाद जो है इसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट जो कनेक्टेड रहता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बेसिक कंपोनेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है HAWT। एक्चुअली विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम के अंदर दो तरह के टर्बाइन काम आते हैं बेसिकली, है ना। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस। लेकिन मोस्ट ऑफ द कमर्शियल विंड टर्बाइन की हम बात करें, यूज अमाउंट ऑफ पावर प्रोडक्शन की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन काम में आते हैं, है ना। तो HAWT का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, है ना। एक क्लास में और लूँगा जिसके अंदर हम दोनों टर्बाइंस का डिफरेंस भी क्रिएट करेंगे, है ना, क्यों नहीं वर्टिकल एक्सिस काम में आते हैं, उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा बाद में। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि जितने भी विंड टर्बाइंस अभी फील्ड में अवेलेबल हैं जिनसे विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, दे ऑल आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, राइट। तो ये ब्लेड्स आपको दिख रही हैं, रोटर ब्लेड्स हैं, है ना, ये विंड यहाँ से फ्लो होगी। ये पीछे जो गियर बॉक्स, कंट्रोलर और जनरेटर है, इसको हम कहते हैं नेसल पूरा, है ना। ये देखो मैंने लिखा है नेसल, है ना। ये जो जिसके ऊपर ब्लेड माउंट रहती है, इसको हम हब कहते हैं, राइट। ये आपका टावर है और ये इसका फाउंडेशन है, ये दिस होल स्ट्रक्चर इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, राइट। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास, पावर अवेलेबल इन द विंड। दो कुछ तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, हाउ मच पावर इज अवेलेबल इन द विंड, कितनी पावर अवेलेबल है विंड के अंदर, है ना। एंड हाउ मच वी कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द विंड, कितनी हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, है ना। देखिए, हवा चलती है तो कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे देखें कि जो एनर्जी विंड के अंदर अवेलेबल है वो काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। उसी को बेस मानते हुए हम सारा ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे।
तो सबसे पहले हम कह रहे हैं द एनर्जी अवेलेबल इन द विंड इज काइनेटिक एनर्जी, राइट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूनिवर्सली सब लोग जानते हैं, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर एम क्या है, ये मास है एयर का इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, हम एम के एस या ऐसे सिस्टम की बात करें, और वी है आपका वेलोसिटी ऑफ विंड या फिर स्पीड ऑफ विंड आप कह दें मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ विंड कैसे मेजर होती है, एक इंस्ट्रूमेंट काम में आता है जिसको हम कहते हैं एनीमोमीटर, राइट। इट इज़ यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ द विंड स्पीड और यू कैन से विंड वेलोसिटी, राइट। अब क्योंकि हम पावर निकालना चाहते हैं, हमारे को एनर्जी पता है, तो आप जानते हैं पावर इज वॉट, पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ई बाई टी करेंगे अपन, है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन टी, एम बाई टी जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम डॉट से। देखिए यहाँ पर क्योंकि डॉट क्लियरली विजिबल नहीं है, क्योंकि दिस इक्वेशन हैज़ बीन रिटन इन इक्वेशन एडिटर, सो इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, दैट्स आई हैव रिटन सेपरेटली एम डॉट। ये जो एम है बीच में एम डॉट है ना, एम डॉट मीन्स एम बाई टी, दिस इज मास फ्लो रेट, राइट। नाउ कम टू द फ्लूड मैकेनिक्स, फ्लूड मैकेनिक्स के अंदर ये जो मास फ्लो रेट है ना, फ्लूड मैकेनिक्स में एम डॉट जो है मास फ्लो रेट थ्रू एन एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ एयर डेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड विंड स्पीड, राइट। एक्चुअली हम क्योंकि विंड फ्लो हो रही है तो हम फ्लूड मैकेनिक्स की बात करेंगे, तो कहना ये चाहते हैं कि जो एम डॉट है, जो मास फ्लो रेट है, वो तीन चीज़ों का प्रोडक्ट है। पहला क्या है कि जो एरिया है जिसके थ्रू विंड फ्लो हो रही है, पहली बात है ना, नंबर वन। दूसरा है एयर डेंसिटी, और तीसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी एरिया आ गया, डेंसिटी आ गया, विंड स्पीड क्या है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं सपोज दिस इज द एरिया, राइट, एंड दिस इज द विंड स्पीड, और रो मान लेते हैं अपन एयर की डेंसिटी है, तो एम डॉट क्या हो जाएगा, रो ए वी, एयर डेंसिटी, एरिया एंड विंड वेलोसिटी, राइट। हमारी जो पावर है वो क्या है, हाफ एम डॉट वी स्क्वायर। अब एम डॉट की वैल्यू यहाँ पर अपन रख देंगे, है ना, तो क्या मिल जाएगा हमको, पी ए इज नथिंग बट द पावर अवेलेबल इन द विंड, हाफ कॉन्स्टेंट एज इट इज, एम डॉट की जगह वैल्यू हमने रखी रो ए वी स्क्वायर, पहले से था एक वी और आ गया, तो ये क्या बन गया, वी क्यूब। सो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पावर अवेलेबल इन द विंड, दैट इज हाफ रो ए वी क्यूब, रो इज एयर डेंसिटी, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, और वी है आपका वेलोसिटी, राइट। तो अब पूरा इसको यूनिट की फॉर्म में पढ़ लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में सारी यूनिट्स आपके काम आएंगी। तो देखिए पी ए इज द पावर अवेलेबल इन द विंड, ये वाट्स में आ जाएगी, है ना। एयर डेंसिटी जो है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होती है ना। एक रेफरेंस एयर डेंसिटी जो है अगर आपको नहीं दे रखी है, यूजुअली क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड और एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर 1.225 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी वैल्यू होती है, आप याद रख लीजिए, है ना। ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच विंड पासेस, है ना, मीटर स्क्वायर में रहेगा, इसको हम स्वेप्ट एरिया कहते हैं, है ना, स्वेप्ट एरिया की बात मैं आगे करूंगा। और फिर वी है आपका विंड वेलोसिटी और यू कैन से स्पीड मीटर पर सेकेंड। तो सारी यूनिट मैंने इस फॉर्मूला की बता दी है ना, एक एक टर्म्स जो इसमें आ रही है इन्वॉल्व हो रही है, पावर की, डेंसिटी की, एरिया की और विंड वेलोसिटी की, राइट। आगे बढ़ते हैं, स्वेप्ट एरिया को थोड़ा डिस्कस करते हैं, है ना। देखिए जो ब्लेड है, ये तीनों ब्लेड है, नॉर्मली तीन ब्लेड ही होती हैं, है ना, ये जो एरिया कवर करती हैं, पूरा एरिया, है ना, द स्वेप्ट एरिया ऑफ ब्लेड्स, और है ना, तो ये जो कंप्लीट सर्कल बनेगा इसको हम कहते हैं, ये आपका रोटर का डायमीटर हो जाएगा, है ना। तो एरिया जो है स्वेप्ट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई रेडियस कह दें, अगर डायमीटर के फॉर्म में कह रहे हैं, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, है ना, तो अगर आर आपका क्या हो गया, डी बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई फोर डी स्क्वायर। यूजुअली क्या है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको रोटर का डायमीटर दे रखे होता है, इसलिए मैंने डायमीटर के फॉर्म में लिखा है। अब इस एरिया को आप ए की वैल्यू को उस फॉर्मूले में रख दें, है ना, तो आपका फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर अवेलेबल इन द विंड इज पाई बाई एट, दिस इज कॉन्स्टेंट, रो डी स्क्वायर वी क्यूब, राइट, एयर डेंसिटी, डायमीटर एंड विंड वेलोसिटी, राइट। सो नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज क्लास, फिर अपन न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पावर अवेलेबल इन द विंड, है ना। तो पावर जो अवेलेबल होगी विंड की, उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, आप देख सकते हैं, पावर इज प्रोपोर्शनल टू एयर डेंसिटी जो कि कांस्टेंट है ना, फिर प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, राइट, डायमीटर, रोटर डायमीटर के स्क्वायर के बराबर होगी, है ना, प्रोपोर्शनल होगी, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है विंड वेलोसिटी का, विंड वी क्यूब के ऊपर, है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज विंड स्पीड, द पावर अवेलेबल इन द विंड इंक्रीजेस एज द क्यूब ऑफ विंड वेलोसिटी, है ना। अगर मान लीजिए विंड वेलोसिटी आपकी डबल हो जाती है ना, तो पावर कितने गुना, 8 गुना बढ़ेगी, वही मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल द डबलिंग द विंड स्पीड इंक्रीजेज द पावर बाय 8-fold, 8 गुना बढ़ेगी, है ना, क्योंकि वी क्यूब है, 2 का क्यूब यानी कि 8, राइट। अच्छा, इस फॉर्मूले को कई बार अगर आपको याद नहीं रहता तो याद रखने का तरीका मैं बता देता हूँ, पाई बाय 8 आपको याद रखना पड़ेगा,
है ना, आप चाहें तो 3.14/8 करके एक वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो भी याद रख लें। रो की पावर 1 है, डी की पावर 2 है और वी की पावर 3 है। इसमें ही दिक्कत आती है बच्चों को, है ना, ये ध्यान रखिएगा। राइट, पावर जो है 1, 2, 3 ध्यान रखनी है। इज इट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द टोटल पावर अवेलेबल इन द विंड व्हेन द एवरेज विंड स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड द विंड मिल हैज अ डायमीटर, ये स्मॉल डी कैपिटल डी नोटेशन आप देख लीजिएगा, 50 मीटर आपको डायमीटर दे रखा है, विंड स्पीड 6 मीटर है। फिर ये कह रहा है इफ द विंड स्पीड इज 4 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड ऑल्सो डिटरमाइन द पावर एंड कमेंट अपॉन द रिजल्ट। ये कह रहा है कि आपको पावर अवेलेबल इन द विंड निकालनी है 3 स्पीड के ऊपर, बेसिकली 6 मीटर के ऊपर, 4 मीटर पर सेकेंड के ऊपर, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड विंड स्पीड के ऊपर, है ना। रोटर का डायमीटर आपको दे रखा है, तो ये आप इसको करना क्या है, है ना, जैसे आप जानते हैं पावर जो है वो वेलोसिटी के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है ना, तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, फिर आपकी क्योंकि आपने स्पीड कम कर दी है तो यहाँ पर पावर घटेगी, यहाँ पर आपने पावर वापस बढ़ा दी है ना, तो यहाँ पर पावर बढ़ेगी। तो सबसे कम यहाँ मिलेगी, बीच में यहाँ मिलेगी, सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगी, ये आपको कमेंट करना है, उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा, है ना। तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर शेयर करिएगा, देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं, फिर अपन मिलान भी इसको करेंगे। मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कि किसके आंसर सही हैं किसके नहीं हैं, अगर आप करेंगे तो बहुत मुझे खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज हम लोगों ने पावर जो है विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, है ना, उसका इंट्रोडक्शन से हमने शुरू किया, फिर बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, पावर अवेलेबल इन द विंड उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं वो हमने देखे, और फाइनली हमने एक न्यूमेरिकल देखा। इसके आगे के क्लास में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे विंड एनर्जी सिस्टम से, क्योंकि विंड का जो चैप्टर है वो मैंने आज ही शुरू किया है, तो धीरे धीरे हम इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म में आगे बढ़ाते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, अगर वास्तव में अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।